की ओर समाजवादी लोग जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच पर। सीएम अखिलेश यादव आज अपनी सरकार की उपलब्धियों का विकास रथ लेकर लखनऊ से उन्नाव पहुंचे। हालांकि जिस रथ में वो सवार होकर निकले वो महज 1 किलोमीटर चलने के बाद ही खराब हो गया। इसके बाद उन्हें लखनऊ से उन्नाव तक 117 किलोमीटर तक सफर अपनी सरकारी गाड़ी में ही तय करना पड़ा। अखिलेश की रथ यात्रा में आज कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। मसलन चचा शिवपाल भतीजे की विकास रथ यात्रा में शामिल हुए और विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दिया। पिता मुलायम ने बेटे को रथ को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। लखनऊ में एक मंच पर मुलायम, अखिलेश और शिवपाल साथ खड़े हुए और ये बताने की कोशिश की कि अब कोई मतभेद नहीं है, सब साथ साथ हैं। लेकिन भाषण शुरू होते ही मन की खटास शब्दों के जरिए फिर बाहर आई। अखिलेश ने चचा का नाम लिए बगैर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कहकर संबोधित किया तो मुलायम ने भी बेटे अखिलेश पर घुमा फिराकर तंज कस दिया। हालांकि शिवपाल नरम दिखे लेकिन अखिलेश ने उनसे कोई बात न करके जता दिया कि अभी दिल में गिले शिकवे बाकी हैं, खलिश बाकी है। बहरहाल तमाम झगड़ों और तल्खियों के दरकिनार करते हुए विकास रथ चल रहा है यूपी फतह करने के लिए। सीएम का ये विकास रथ विजय रथ की शक्ल ले पाएगा या नहीं और परिवार सीएम के साथ कब तक खड़ा रहेगा, सबके मन में यही सवाल उठ रहे हैं। आप भी फोन करके अपनी राय दें और हमारे कार्यक्रम जनमंच का हिस्सा बने। विजय की ओर समाजवादी लोग जाएंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को समाजवादी विकास रथ यात्रा पर निकले। सत्ता में वापसी की तैयारियों में जुटे सीएम अखिलेश के लिए चुनाव से पहले ये बड़ा प्रचार अभियान है और इस यात्रा के जरिए सीएम अखिलेश जन जन तक अपनी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रथ यात्रा का आगाज कैसे हुआ, क्या कुछ खास रहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। यूपी को फिर से फतह करने के मकसद से सीएम अखिलेश यादव का विकास रथ आज लखनऊ से उन्नाव पहुंचा। अखिलेश की विकास रथ यात्रा में शामिल होने के लिए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव सुबह 10 बजे ही लखनऊ के ला मार्टियर ग्राउंड पहुंच चुके थे। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले तीनों नेताओं ने जनता को संबोधित भी किया। अखिलेश ने फिर से विकास का नारा बुलंद किया तो मुलायम ने पार्टी के आदर्श नेताओं की बात की, वहीं शिवपाल भी भतीजे के साथ खड़े होकर दिलों की दूरियां मिटाते दिखे। इस देश में कई बार चले हैं और जनता का समर्थन जुटाने के लिए, जनता से सहयोग मांगने के लिए दल निकले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने रथ चलाया वही उत्तर प्रदेश में हमें तीसरी बार रथ चलाने का मौका मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे साथी जब पहली बार रथ चला था उस समय भी हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे थे पार्टी के साथ, और आज जब तीसरी बार रथ चलने जा रहा है हमारे पुराने तमाम नेता तो है ही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान जो पहली बार जुट रहे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो ये समाजवादी बहुत ही जोर के मुताबिक बहुत कुर्बानी देकर के बना है और इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ने हमारे नेताओं को चाहे डॉक्टर अमर भैया जयप्रकाश हो, चाहे राजनाथ जी हो, मजे भाई हो, जोर फर्नाडिस हो, एक नहीं वो हमारी बहन नहीं है पूना की, इन्होंने कितना जन्म सहायता कितना संघर्ष किया था, इसे मैंने समाजवादी पार्टी नाम रखा था। वो खैर हम सारी बात बताएंगे पांच नंबर, इसे आप ऐसे ऐसे दल में आए हो ये संघर्ष का दल है, कुर्बानी का दल है, शौकीनी की फिरू गर्दी का नहीं है, जो आज आयासी और शौकीनी और फिरू कच्ची हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा परिवर्तन। आपको परिवर्तन तब होगा जब संघर्ष अन्याय का विरोध करोगे। और आज हमें खुशी है ये जो समाजवादी पार्टी है
जिसका परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहरा रहा है, ये नेताजी के संघर्ष से और नेताजी की मेहनत से जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो परचम लहरा रहा है और आगे चल करके। और हमारी आप सब लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है, नेताजी को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें भी सभी हमारे नौजवान, हमारे सभी साथी दोस्त के साथ पहुंचे। भाषण खत्म होने के बाद सीएम अखिलेश ने पिता मुलायम से रथ यात्रा को रवाना करने का आग्रह किया। हालांकि बगल में ही बैठे चचा शिवपाल से कोई बात नहीं की। इसके बाद मुलायम ने बेटे की विकास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास से विजय की ओर यात्रा पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी निकली। डिंपल यादव ने कहा कि प्रदेश के हर युवा को अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा है और हर युवा अखिलेश को उम्मीदों के साथ देख रहा है। उन्होंने अखिलेश की रथ यात्रा को ऐतिहासिक बताया। शाम करीब 4:30 बजे सीएम का विकास रथ उन्नाव पहुंचा। इस बीच लखनऊ से उन्नाव तक कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम की विकास रथ यात्रा में लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनता का भी बड़ा हुजूम दिखा, जो युवा सीएम की लोकप्रियता बताने के लिए काफी था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आपने देखा किस तरह का हुजूम उमड़ा था। आज रथ यात्रा का पहला दिन था, सीएम भी बेहद खुश नजर आए, जोश से लबरेज नजर आए। पर ये जोश आगे कितना बना रहता है, क्या लोगों का इसी तरह का समर्थन मिलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विकास रथ अब विजय की ओर बढ़ चला है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्रेश किए जा रहे हैं। तो सीएम अखिलेश की विकास रथ यात्रा का आगाज होते ही अव्यवस्थाएं भी सामने आने लगी, कई जगहों पर जाम लगा। इस हाईटेक रथ पर अखिलेश सवार होकर निकले, महज 1 किलोमीटर चलने के बाद वो रथ खराब हो गया। 5 करोड़ का हाईटेक रथ रुक गया। इसके बाद सीएम को दूसरी कार में बैठकर यात्रा को आगे ले जाना पड़ा। सफल जनसभा, सफल रथ यात्रा, चुनावी पायदान पर रैली की सफलता का पहला कदम माना जाता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुश होंगे आज कि लखनऊ से लेकर उन्नाव तक जब उनका कारवां चला तो तमाम जगह जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनके रोड शो में जिस कार से वो उन्नाव तक पहुंचे थे उनके पीछे हजारों की तादाद में गाड़ियां थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामगोपाल की नामौजूदगी और आजम खां के कार्यक्रम में शिरकत न करने को सफाई देते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ है और उनके आशीर्वाद के बदौलत 2017 की जीत की नैया वो पार करेंगे। तो अपने सपा की अंदरूनी राजनीति में भी अपना शक्ति प्रदर्शन दमदार तरीके से करके उन्होंने जता दिया कि समाजवादी पार्टी के असल चेहरा वही है। सहयोगी मुजाहिद जैदी, कैमरामैन रमन सिन्हा और दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, इंडिया वॉइस, लखनऊ।